आशीष, मेरे YouTube चैनल आशीष नॉलेज वाले में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में फर्नीचर लाइन का काम होने वाला एक प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ। ये एशियन पेंट्स का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी बिक रहा है मार्केट में। फर्नीचर वर्क में काफ़ी यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। ये एशियन पेंट्स का सुलेशन है, जिसको हम लोग आसान भाषा में सुलेशन बोलते हैं, मगर ये एशियन पेंट्स का ट्रू ग्रिप एक्सट्रीम सिंथेटिक रबड़ एडहेसिव सुलेशन है, जो फर्नीचर पे माइका चिपकाने के काम देता है। आज इसी के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये एशियन पेंट्स का डिब्बा है। यहाँ पे येलो और सूरजमुखी के सूरज डूबने की तरह है, एकदम हिट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे एशियन पेंट्स ट्रू ग्रिप एक्सट्रीम, यहाँ पे फास्ट ड्राइंग, हीट प्रूफ, इको फ्रेंडली, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पे सिंथेटिक रबड़ एडहेसिव, और इसके पीछे इसकी एमआरपी होती है और इसके पीछे इसका डिस्क्रिप्शन होता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्नीचर का फोटो लगा हुआ है, मतलब ये फर्नीचर यूज़ में होने वाला प्रोडक्ट है। आज इसी के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, आइए मैं और डिटेल बताऊं। ये हीट गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब हीट प्रूफ मटेरियल है। जो आजकल पहले के सुलेशन आते थे, उस पे धूप या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ने पे पपड़ी बन करके माइका निकल आता था, तो ये कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी वालों ने फेविकोल डिवीजन में, ट्रू ग्रिप एक्सट्रीम। ट्रू ग्रिप इनका नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है, कि एक डिवीज़न है इनका कि फेविकोल से रिलेटिव सारे प्रोडक्ट ये इसमें बनाती है। रबड़ एडेसिव है, ये बहुत जल्दी सेट होता है, एक अच्छा फेविकोल माना जाता है। फेविकोल के नाम से इसको आप जान सकते हैं कि ये फेविकोल की तरह फटाफट फर्नीचर को माइका चिपकाने के लिए वर्क में लिया जाता है। इसकी एमआरपी 590 रुपये की आती है 1 लीटर की, जो आपके सामने है। इसकी पैकिंग 200 ml, 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर की पैक बनाती है कंपनी। इसका जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, वो क्लीनर क्लीन एकदम होता है, पानी की तरह होता है, फास्ट ड्राई मटेरियल होता है। इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की होती है, जब से मैन्युफैक्चरिंग होता है ये 2 साल आराम से चल जाता है। इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये लगभग जिस फर्नीचर पे माइका इसका चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, वो लगभग 4 से 5 साल आराम से चलता है। चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, वो छोड़ता नहीं है माइका। इसको आपको अपने हाथ से या ब्रश से या एक स्क्रैप पत्ती आती है उससे लगाया जाता है। इसका कोई अनुपात नहीं होता, इसको आप 2 सीट, 3 सीट, 3 सीट में लगभग ये 1 लीटर पूरा मटेरियल लगता है 8x4 के माइका पे, मतलब 8x4 की 3 सीटों पे ये 1 लीटर आपका यूज़ हो जाता है। अब बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यूज़ करने का मेन पर्पज़ है फर्नीचर वर्क में। फोम वाले भी ले जाते हैं, जहाँ पे सोफे बनते हैं, गद्दे बनते हैं, तो वहाँ पे भी इस सुलेशन का यूज़ होता है, मगर इससे कम रेट का इस सुलेशन आता है जो फोम में यूज़ होता है, मगर काम फोम का भी काम कर सकता है। ये फर्नीचर पे बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हमको लेमिनेट चिपकाना होता है, माइका चिपकाना होता है, तो वहाँ पे इस फेविकोल का यूज़ होता है। ये रबड़ एडहेसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें स्पंज होता है, ये एकदम रबड़ की तरह निकलता है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे आपके यहाँ कोई फर्नीचर का काम हो रहा है, आपको फटाफट काम में तेज़ी चाहिए, या आपके काम में तेज़ी नहीं है, मिस्त्री भाई लोग परेशान हैं कि हमको जल्दी से काम चाहिए, तो ये रबड़ एडहेसिव एशियन पेंट्स का ट्रू ग्रिप एक्सट्रीम इसको इस्तेमाल करें। जैसे जहाँ पे माइका पेस्ट करनी है, डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल पे, तो उस पे पहले पेपर से प्लाई की घिसाई कर देते हैं, माइका की घिसाई कर देते हैं, फिर उसको स्क्रैप पत्ती या माइका के टुकड़े से पूरे माइका पे लगाया जाता है बराबर मात्रा में। फिर उसी तरह
माइका को हटा करके फिर प्लाई पे भी बराबर मात्रा में लगाया जाता है। लगाने के बाद इसको 1 से 2 मिनट सूखने दिया जाता है, ड्राई हो जाए, उसको आप टच करके देखेंगे कि ड्राई हो गया है। तो फिर ड्राई हो जाने के बाद माइका वाला भी प्लाई वाला भी ड्राई हो जाता है, तो दोनों को फिर आपस में चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद क्लीन कपड़ा लेकर के या फिर कॉटन कपड़ा लेकर के खूब अच्छे से उसकी घिसाई की जाती है, मसाज किया जाता है कि कहीं एयर ना रहे, माइका के बीच में कहीं एयर ना रहे, जिससे उसकी एकदम प्रॉपरली चारों तरफ से रगड़ दिया जाता है कि माइका चारों तरफ से सेट हो जाए। ऐसे ही आपको हर जगह यूज़ किया जाता है। इसका यूज आजकल फर्श की मैटिंग पे, आजकल दीवारों पे पीवीसी पैनल लगते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। मतलब कई जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो। रबड़ एडेसिव है, मतलब जहाँ पे आपको पीवीसी के मटेरियल, माइका के मटेरियल, रैक्सीन, कोई चमड़ा, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हो तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर से ले करके आप इसको डेकोरेटिव के सारे आइटम में यूज़ किया जा सकता है। याद रखें इसका ड्राई समय 1 से 2 मिनट है, कम से कम जिस पे भी यूज़ कर रहे हो 2 मिनट इसको गैप दिया जाता है सूखने के लिए। नहीं, अगर वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन को भी ऑन कर दिया जाता है कि वो एक बार लगाने पे सूख जाए, जिससे माइका पे जब प्लाई पे चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छे से जड़ से पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। हीट प्रूफ है और अच्छा प्रोडक्ट है। एक एशियन पेंट्स का ये प्रोडक्ट बहुत ही बिकने वाला प्रोडक्ट है और चल भी रहा है। तो एक छोटी सी जानकारी थी एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट की। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।